चलिए नजर डालते हैं न्यूज प्राइम 24 के इस वक्त की खास खबरों पर। नवादा के पहला कोरोना मरीज मुस्तफा को अस्पताल से मिली छुट्टी। दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल होकर नवादा आया था मुस्तफा। नवादा में घर घर जाकर जिले में हर व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने का अभियान शुरू। जिला अधिकारी यशपाल मीना ने पत्रकारों को दी जानकारी। नवादा जिला अधिकारी ने सभी बैंक खाता धारियों से घरों में रहने का किया अपील। खातेदारों के खाते में सुरक्षित रहेंगे पैसे, लॉकडाउन का करे सम्मान। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीना समाहरणालय सभा कक्ष में निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों के साथ बैठक कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का दिया सुझाव। साथ ही शिक्षा शुल्क वसूल करने का न दे दबाव संचालकों ने किया स्वीकार। नवादा सदर प्रखंड के गोनावा ग्राम पंचायत के मोती बीघा में पीडीएस की दुकानों से राशन नहीं मिलने पर महिलाओं का फूटा गुस्सा। सरकार द्वारा निर्धारित अनाज नहीं देने का डीलर पर लगाया आरोप। लॉकडाउन में भी नवादा में अवैध शराब का धंधा जोरों पर जारी। गोविंदपुर स्थित बाबा के ढाबा से बाइक पर लदा शराब पुलिस ने किया जब्त, तस्कर फरार। लॉकडाउन में नवादा जिले के शेखपुरा में हुई अनोखी शादी। न कोई बारात, न बैंड बाजा, सैनिटाइजर के साथ ससुराल पहुंचे दूल्हे राजा। नवादा जिले के रजौली में साउथ सिटी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक छात्रों को दे रहे ऑनलाइन क्लास। पटना सिटी के वार्ड नंबर 59 में किया गया कोरोना से निपटने के लिए डोर टू डोर सर्वे। इसको वेरीफाई करना है कि पिछले 15 दिन के अंदर फैमिली के किसी मेंबर को सर्दी खांसी बुखार आदि कुछ हुआ है, या पिछले एक महीना के अंदर विदेश से कोई आए हो।